नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आपके लिए एक अच्छी खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आप लोगों के लिए भर्ती आ गई है। और ये भर्ती आई है कुक की, सफाई वाला की, चौकीदार की, माली की, इसके अलावा ट्रेड्समैन मेट की, वार्ड सहायक की और स्टेनो की। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी और आपके लिए आई हुई है, जैसे नाई की आई है, धोबी की आई है, टेलर की आई है, कारपेंटर की आई है, पेंटर की आई है, ये सब भर्तियां आपके लिए आ चुकी हैं। आज हम आपको बताएंगे पे एज क्वालिफिकेशन के बारे में, साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस भर्ती के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, इस भर्ती के लिए आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा फॉर्म के साथ में, फॉर्म कहाँ भेजना है, ये सब जानकारी आज आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, विज्ञप्ति जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 155 बेस हॉस्पिटल के लिए, और इसमें इंडियन डोमिसाइल वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं जो भारत में कहीं भी सेवा करने के इच्छुक हों। तो इस वैकेंसी में आपको भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए भेजा जा सकता है। और ये वैकेंसी आई है 6 से लेकर 12 जून के रोजगार समाचार में। तो आपको भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए भेजा जा सकता है, और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर सैलरी मिलेगी और सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है। इसमें पहली वैकेंसी है देखो स्टेनो की, जिसमें एक वैकेंसी है जनरल की, एक है ओबीसी की, टोटल दो वैकेंसी हैं। सैलरी आपको मिलेगी 25,500 प्लस अलाउंसेस, और इसके लिए योग्यता मांगी गई है, क्वालिफिकेशन है कि आप 12th पास होनी चाहिए और आपको स्टेनो आती हो। 10 मिनट का समय आपको मिलेगा 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, इंग्लिश में और हिंदी में, किसी में भी एक में आती हो। इसको ट्रांसक्रिप्ट अगर आप करेंगे तो 50 मिनट का टाइम मिलेगा आपको इंग्लिश में और 65 मिनट का मिलेगा हिंदी के लिए। मेल और फीमेल दोनों इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो महिला पुरुष दोनों इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है वार्ड सहायिका की, इसमें 17 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। पे लेवल 18,000 में आपकी भर्ती होगी, 10th पास आप होनी चाहिए और आपने एक दाई के रूप में काम किया हो कम से कम 3 साल का किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर किसी फैमिली हॉस्पिटल में, फैमिली लिविंग हॉस्पिटल में, और महिला कैंडिडेट ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है चौकीदार की, जिसकी एक वैकेंसी आई है, 18,000 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया गया है, 10th पास आप होनी चाहिए और आपको अपने ट्रेड की ड्यूटी आती हो। इस भर्ती के लिए मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही आपके पास चौकीदारी में 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है। सफाई वाला की बात करें तो 5 वैकेंसी हैं, इसके लिए आपकी सैलरी रहेगी 18,000 वाले ग्रेड में, आप 10th पास होनी चाहिए और अगर आपके पास अनुभव है तो अच्छी बात है, मेल कैंडिडेट्स भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। बार्बर यानी नाई की वैकेंसी 2 आई है 18,000 वाले ग्रेड में, 10th पास आप होनी चाहिए और आपको बाल काटना आता हो, शेविंग करना आता हो, मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। धोबी की वैकेंसी यानी वॉशरमैन की आई है 5 वैकेंसी 18,000 वाले ग्रेड में, 10th पास आप होनी चाहिए और आपको कपड़े धोने का ज्ञान हो, मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। सफाई वाली के लिए 6 वैकेंसी हैं 18,000 वाले ग्रेड में, 10th पास आप होने चाहिए और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सफाई वाली ट्रेड में, अगर है तो अच्छी बात है, और फीमेल कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई करेंगी। अगली वैकेंसी है टेलर की, जिसके लिए 2 वैकेंसी आई है, आप 10th पास हो और 1 साल का अनुभव आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड्समैन मेट के लिए 3 वैकेंसी आई है, आप 10th पास होने चाहिए, मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। माली के लिए 7 वैकेंसी है 18,000 वाले ग्रेड में, 10th पास आप होने चाहिए और आपको 1 साल का अनुभव अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मेल कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। कारपेंटर के लिए 1 वैकेंसी आई है 10th वाले ग्रेड में, और 19,900 वाला ग्रेड आपका शामिल किया गया है, 10th पास आप होने चाहिए और 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, या फिर अगर आपने IT वगैरह कर रखी है तो अच्छी बात है, मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। पेंटर के लिए 1 वैकेंसी आई है 19,900 वाले ग्रेड में, आप 10th पास होने चाहिए और अगर आपके पास अनुभव है तो अच्छी बात है, मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। कुक के लिए 2 वैकेंसी आई है 19,900 वाले ग्रेड में, आप 10th पास होनी चाहिए और आपको इंडियन कुकिंग का ज्ञान होना चाहिए, मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो देखो, एक चीज साफ साफ है कि पहली वैकेंसी के लिए 12th पास मांगा गया है, बाकी के लिए आप 10th पास होनी चाहिए और अगर आपके पास कहीं का भी एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, बाकी अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ वो वैकेंसी जहां एक्सपीरियंस की बाध्यता है, जैसे माली है, कारपेंटर है, वहां होना चाहिए, बाकी के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देखो, जनरल वालों के लिए एज 28 से लेकर 25 साल, ओबीसी के लिए है 28 साल, SST के लिए 30 साल, PH के लिए है 10 साल की एक्स्ट्रा छूट और एक्सेसमैन को एप्रूवल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब ये जो एज लिमिट है ये कब काउंट की जाएगी, ये काउंट की जाएगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट को, जो कि है रोजगार समाचार में 21 दिन के अंदर, यानी 27 जून को आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। तो 27 को आपकी एज पूरी होनी चाहिए और आपके पास पूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब आपको आवेदन कैसे करना है कि आपको अप्लाई करना है ऑफलाइन, एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाएंगे
और बताएंगे कि आप कैसे इसको भर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो हाथ से लिख के भी बना सकते हैं कागज पे, या फिर मार्केट से ले सकते हैं, या फिर टाइप भी करा सकते हैं। तो आपको अपना फॉर्म भरना है, उसको साइन करना है बढ़िया तरीके से, उसके बाद उसके साथ आपको अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की, और दो कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाने हैं, और अपना खुद का पता लगा हुआ एनवलप लगाना है जिसमें 25 रुपए की टिकट हो। तो आपको क्या करना है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपी लेनी है, अपना भरा हुआ फॉर्म लेना है, दो फोटो लगाने हैं, और एक लिफाफा लेना है, एनवलप लेना है, उस पर अपना पता लिखना है, और उस पर 25 रुपए की टिकट लगानी है। इन सबको आप एक जगह करेंगे और इसको एक बड़े एनवलप में रखेंगे, और उस एनवलप को आपको भेजना है। तो आप समझ गए होंगे, यानी आपको फॉर्म के साथ एक एक्स्ट्रा एनवलप भेजना होगा जिसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा। 25 रुपए की टिकट आपको लगानी है, ध्यान रखना उस पे, और बाहर वाले पे आप कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। बाहर वाली जो है वो आप स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री कुछ भी कर देना, लेकिन फॉर्म के साथ आपको एक एक्स्ट्रा लिफाफा भेजना है, एनवलप भेजना है 25 रुपए की टिकट लगा के, अपना पता लिख के, जिसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो जब फॉर्म आप भेजेंगे उसके ऊपर आप मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे जो एनवलप होगा उसके ऊपर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसके पोस्ट का नाम लिखेंगे, और पता आपको कहाँ भेजना है वो सुन लीजिए, कमांडेंट 155 बेस हॉस्पिटल, पिन 784001 तेजपुर। आपको यहाँ अपना फॉर्म भेजना है, 27 जून तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। जो फॉर्म इनकम्प्लीट होगा विदाउट नेशनलिटी सर्टिफिकेट होगा, यानी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आपको जरूर लगाना है, क्योंकि जो इंडियन नेशनल है वही अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अपना मूल निवास प्रमाण पत्र यानी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र आपको जरूर लगाना है, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगानी है, दो फोटोग्राफ लगाने हैं, और अपना डाक टिकट लगा एनवलप भेजना है, ये सब भेजना है, नहीं तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। तो आपको डॉक्यूमेंट के साथ साथ अपनी मूल निवास की फोटोकॉपी भी भेजनी है। अब बात कर लेते हैं, देखो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसा रहने वाला है। तो देखो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा ऐसा, इसको आप A4 साइज के पेपर पर टाइप करा लेना या फिर हाथ से लिख लेना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसके बाद पोस्ट का नाम 155 बेस हॉस्पिटल, पोस्ट अप्लाइड, राइट द नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पोस्ट का नाम दोबारा लिखेंगे आप, उसके बाद कैंडिडेट अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, बड़े अक्षरों में, मोटे अक्षरों में, इंग्लिश में, उसके बाद फादर का नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद SST OBC एक्सेसमेंट जो भी है वहां लिखेंगे, और एड्रेस लिखेंगे अपना पिन कोड के साथ में, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट आप यहां लिखेंगे, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और उसके सर्टिफिकेट अटैच करेंगे, मोबाइल नंबर लिखना है, आधार कार्ड नंबर लिखना है, और पैन नंबर लिखना है, और यहां आपने साइन कर देने हैं, यहां अपना फोटो लगाना है, और फॉर्म के साथ दो फोटो और यहां पे कोने पे स्टेपल करने हैं, एक एनवलप स्टेपल करना है खाली, उसके ऊपर नाम लिख के और 25 रुपए की टिकट लगा के, और ये सब आप फॉर्म के साथ भेज देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा, और 27 जून है इसकी लास्ट डेट। 10th पास की वैकेंसी है, आपको जो वैकेंसी पसंद हो उसके लिए आप अप्लाई करना, और इसमें आप सिलेक्ट होने पर आपको भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए भेजा जा सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि अगर आप तेजपुर की सोच रहे हो तो वही पोस्ट नहीं रहेगी, आपको बाकी कहीं भी भेजा जा सकता है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना, जिससे आपका कोई साथी अगर फॉर्म भरना चाहता हो तो उसकी भी हेल्प हो जाए। साथियों मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और आप नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।